नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आजकल मीरा भाईंदर, वसई विरार, आयुक्तालय की हद में, खासकर मीरा भाईंदर में गन पॉइंट पर ज्वेलर्स व्यापारियों को लूटने की कोशिशों के मामले सामने आते जा रहे हैं। यह दूसरा मामला है जब एक बहादुर ज्वेलर्स व्यापारी ने अपने यहां होने वाली संभावित लूट से खुद की बहादुरी से बचा दिया। आप जो तस्वीरें और विजुअल देख रहे हैं, विजुअल है मीरा रोड का, जहां की कोठारी चौरस नामक दुकान में 27 मई को दो आरोपी घुसते हैं। कुछ सामान लेने के बहाना कर और उसके बाद में दुकान में आने के बाद में उनके पास से एक व्यक्ति बंदूक नुमा हथियार निकालता है। अब यह जांच का विषय है कि वो बंदूक की थी या नकली बंदूक थी, क्या था, यह पुलिस की जांच में पता चलेगा। लेकिन बंदूक नुमा हथियार निकालता है और व्यापारी को डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सतर्क व्यापारी अपने दुकान में रखा एक रोड निकालता है और रोड से उनके खिलाफ खुद संघर्ष करता है। आप तस्वीरों में, वीडियो में, सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। और इस संघर्ष की वजह से उन दोनों आरोपियों को वहां से भागना पड़ता है। बाद में व्यापारी ने बाहर निकलकर शोर मचाया, लोग इकट्ठा हुए। लेकिन इसके पहले कि इन दोनों आरोपियों को पकड़ा जाता है, दोनों आरोपी फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी का जो पूरा मार्केट है, ज्वेलरी की दुकानें हैं, उन लोगों को इस तरह के वारदात कई बार उनके साथ घटती रहती है, कई बार लूट की वारदात सामने आती रहती है। तो इस तरह से इस बार यह सतर्क व्यापारी ने खुद अपने आप को लूट से बचा लिया। एक तरफ की इसकी प्रशंसा भी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों को पकड़े जाने की मांग हो रही है। आप सीसीटीवी फुटेज जो देख रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से ये व्यापारी अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लुटेरों से, आरोपियों से अपने माल की, अपने सामान की सुरक्षा कर रहा है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क